हाई एवरी वन, सो वेलकम टू माई चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए शिफॉन साड़ी की ड्रेपिंग चार यूनिक स्टाइल्स में लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो अगर हम साड़ी की डिटेल की बात करें तो साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर और कपड़ा जो है इसका वो शिफॉन है। साड़ी बहुत ही सिंपल और बहुत ही वाइब्रेंट है, तो आपको अगर लेनी होगी तो इसकी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आज मैं आपको नेवी स्टाइल काफ़ी अट्रैक्टिव वे से सिखाऊंगी। तो इसके लिए आप अपनी पहले तो जो नॉर्मल टक होती है उसको आप नीचे की तरफ की लेंथ देखकर आप पहले टक कर लीजिए। देखिए बहुत कोई बोलते होंगे आपको कि आप साड़ी की लेंथ बिल्कुल फ्लोर टचिंग रखिए, बट ट्रस्ट में अगर आपको कहीं पे भी अपनी हील्स उतारने की ज़रूरत पड़ी तो आप साड़ी में ही फंस कर गिर सकते हो। इसलिए पहले से आप प्रिपेयर रहो, आप अपनी साड़ी की लेंथ फ्लोर से 1 इंच ऊपर की तरफ ही रखकर पहनिए। तो जब आपकी एक राउंड टक पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप साड़ी की पल्लू की फैब्रिक को पकड़िए और इनको घुमाकर सामने की तरफ लेकर आइए। अब यहाँ पे देखिए ये इनके दो बॉर्डर्स रहे। अब इन दोनों बॉर्डर्स को हम कुछ इस तरीके से आपस में मिला देंगे। तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि क्या हमें फैब्रिक को ऐसे ही उल्टा करके इनको प्लेट्स में अरेंज करना है, तो आप बिल्कुल सही हो, हमें इनको ऐसे ही प्लेट में अरेंज करनी है। आगे इसकी जो प्लेट्स आएंगी वो आप देखकर दंग रह जाओगे। हमें केवल बॉर्डर्स को पकड़ना है और उन्हीं बॉर्डर्स की चौड़ाई मेंटेन करते हुए सारे फैब्रिक को हमें प्लेट्स में अरेंज करनी है। इसके बाद हम टॉप पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि ये इन्हीं तरीके से रहे और बाद के फैब्रिक को हमें इन्हीं सीक्वेंस में अरेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अब आपको अपनी लेंथ कितनी रखनी है वो आप मेज़र कर लीजिए। जैसे कि अगर पीछे की तरफ आप घुटने से नीचे तक लेंथ रखना चाहते हो तो आप उसको मेज़र करके और फिर आप यहाँ पर प्लेट्स अरेंज कर सकते हो। ये देखिए सामने की तरफ से आपकी प्लेट्स की बॉर्डर्स जब खुलेंगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली हैं। तो जहाँ तक हमने प्लेट्स पकड़े हैं अरेंज करके, वहाँ पे भी आपको एक सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद केवल आप इनको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डालकर अपने ब्लाउज के साथ आप सिक्योर कर सकते हो। देखिए जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी में आपको पल्लू लेंथ घुटने से नीचे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने नीज तक भी अगर रखोगे तो आपकी लुक परफेक्ट आएगी। अब देखिए इसके बाद जब फैब्रिक घूमकर कमर के पास आएगी तो ये प्लेट्स आपकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे सेट होती हुई दिखेंगी। देखिए कितनी परफेक्टली ये सारे प्लेट्स सेट हैं। तो इस तरीके से अरेंज की हुई प्लेट्स के साथ आपका बैक लुक भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट दिखेगा। अब चलिए कमर के पास के फैब्रिक को टाइट करने के लिए हम इतनी फैब्रिक मेज़र करके यहाँ पर छोड़ देंगे। तो अब हम बचे हुए फैब्रिक को सबसे पहले तो प्लेट्स में अरेंज करेंगे। राइट की साइड से आपको बिल्कुल सटा करके फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी राइट की फर्स्ट प्लेट कभी भी आपकी परफेक्ट नहीं बनती है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी राइट की तरफ फैब्रिक छोड़ेंगे और फिर हम उनको प्लेट में अरेंज करना शुरू करेंगे। देखिए प्लेट्स आप कम ही रखिए, क्वांटिटी कम ही रखिए लेकिन परफेक्ट रखिए। तो देखिए ऐसे हम हल्के हल्के हाथों से इनको प्लेट्स में अरेंज कर देंगे। जब सारे प्लेट्स बन जाती हैं तो राइट की जो फर्स्ट प्लेट रहेगी उसमें हम एक्स्ट्रा छोड़ी हुई फैब्रिक को ऐड करेंगे और फैब्रिक यहाँ पे हल्के से हम सेट करते हुए चलेंगे और इसके बाद ठीक अपनी बेली बटन के पास हम इनको टक करेंगे। अगर जो भी अपनी कमर की साइड की जो फिटनेस आती है उनको अगर ज़्यादा एक्सपोज करना चाहते हो आप, तो फिर ये फ्रंट प्लेट्स को आप अपनी नेवल से थोड़ी सी राइट की तरफ ही करते हुए इनको टक। तो अगर आप साड़ी को लंबे समय के लिए पहन रहे हो तो इन प्लेट्स को लेकर आप अपनी पेटीकोट के अंदर से इनको आप सिक्योर कर लीजिए एक सेफ्टी पिन लगा कर, ताकि अगर मान लीजिए बाई चांस अगर किन्हीं के भी पैर अगर प्लेट्स के ऊपर आ जाए तो ये खुल ना सके। अब देखिए कमर के पास जो हमने फैब्रिक छोड़ी थी उनको आपको कैसे सेट करना है। तो ये फैब्रिक को आपको प्लेट्स के नीचे से घुमाकर अपनी राइट की तरफ निकालनी है। देखिए मेरे राइट हैंड को आप यहाँ पे ये फैब्रिक आ गई है। अब हम इसे ट्विस्ट करेंगे और अपने दूसरे हाथ से इनको हम सेट करते हुए जाएंगे। ट्विस्ट करने के बाद
आपको एक नॉट बनानी है और फिर इनको टक करना है। देखिए जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी में आप कमर के पास की प्लेट को बनाने के लिए कभी भी भूल कर भी कभी आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल मत कीजिए, इससे आपकी फैब्रिक ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे ऐसे टक कर देंगे। अब हम अपने प्लेट्स को केवल सेट करेंगे, कमर की फैब्रिक को नीचे की तरफ ले जाएंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। और इसके बाद आप देखिए आपकी जो लुक होगी वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो देखिए कितनी परफेक्टली हमने इस शिफॉन साड़ी को ड्रेप कर लिया। तो इसी के साथ अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैं सेम इसी शिफॉन की साड़ी को किसी दूसरे स्टाइल में आपको ड्रेप करना सिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले तो आप अपनी जो पल्लू है उसको ऐसे घुमाकर तो आप ले ही जाओगे, लेकिन इसकी जो कॉर्नर है देखिए आप यहाँ पे केवल इस कॉर्नर को हम वी शेप में अरेंज करेंगे और फिर अपने ब्लाउज के साथ हम इनको अटैच कर देंगे। इसके बाद अब सामने की तरफ जो लेंथ बच गई है इनको हम ठीक वैसे ही प्लेट में अरेंज करेंगे जैसे हमने स्टाइल नंबर 1 में किया था। अब इसके बाद हम सारे प्लेट्स को अपनी ठीक बेली बटन के पास टक करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टाइल में हमारे सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स बनेंगी, तो इसीलिए कोई भी प्लेट्स अंदर की तरफ ना रह जाए इसका भी हमें ख्याल रखना है। प्लेट्स को सिक्योर करने के लिए मैं फिर से अंदर की तरफ से एक सेफ्टी पिन लगा ले रही हूँ। इसके बाद लेफ्ट साइड पे ये जो फैब्रिक है हमारी, इन दोनों ही बॉर्डर्स को लाकर हम अपने हाथ पे फैला लेंगे। देखिए एक हैंड पे मैंने इसको ऐसे फैला लिया है और अब सामने वाली बॉर्डर को ऊपर रखते हुए हम इनको प्लेट्स में अच्छे से अरेंज कर देंगे। प्लेट्स बनाने के बाद हम उसी साइड की शोल्डर पे इनको लेकर और सीधा ऐसे रख लेंगे सामने की तरफ। तो यहाँ पे सामने की तरफ टोटल हमारे 4 बॉर्डर्स आएंगी। तो इनको अच्छी तरीके से सेट करते हुए हम एक और सेफ्टी पिन के साथ इनको यहाँ सिक्योर कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये लुक्स थोड़ी सी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और अट्रैक्टिव लगे तो आप एक मेटल वाली वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो अब अगर हम बात करें इसके फाइनल लुक की तो ये देखिए, तो इस टाइप से आप किसी भी फंक्शंस या वेडिंग फंक्शन ओकेजन या सेरेमनी में आप ड्रेप कर सकते हो अपनी साड़ी। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो जिनको भी पल्लू लेना पसंद नहीं है पीछे की तरफ, तो आप केवल अपनी पल्लू को इतनी ही रखें और इनको केवल आप प्लेट्स में अरेंज करके ऊपर की तरफ एक रबर बैंड लगा लीजिए इन सारे प्लेट्स पे। देखिए ये वाली जो स्टेप है ना आप केवल उसी साड़ी पे कीजिए जिनकी साड़ी प्लेन हो और उनमें बॉर्डर वर्क हो। तो इनमें ये वाली फ्लावर आप ऐसे बना सकते हो चाहो तो। केवल इनकी ये कॉर्नर्स को मिलाकर आपको एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। तो अब इसको आप अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे ऐसे रख लीजिए और नीचे की तरफ आप चाहो तो एक सेफ्टी पिन के साथ इनको सिक्योर कर सकते हो या फिर केवल फ्लावर को ही आप लेकर सिक्योर कर सकते हो। तो ऊपर वाली जो बॉर्डर है इसको अगर हम खींचते हुए कमर के पास लेकर आएँ तो यहाँ पे फैब्रिक तो बढ़नी ही है, लेकिन हमें कमर के पास वाली फैब्रिक को भी टाइट करना है। तो उसके लिए आप सामने वाली जो प्लेट आई हुई है पहले इसको आप रिमूव कीजिए। तो देखिए ये मैं यहाँ से प्लेट्स अपनी निकालूंगी बाहर और यहाँ पे बॉर्डर को हल्का सा हमें तिरछा करना है और नीचे की तरफ से 2-3 प्लेट्स बनाते हुए हमें इनको कलेक्ट करना है एक जगह पे और फिर एक सेफ्टी पिन लगाकर फिर से हमें सारे प्लेट्स को लेकर टक कर देनी है। तो देखिए आप केवल एक प्लेन बॉर्डर की साड़ी को कुछ ऐसे भी चाहो तो एक अट्रैक्टिव स्टाइल में ड्रेप कर सकते हो। तो पीछे की तरफ यहाँ पे कोई भी पल्लू नहीं आएगी बट आपकी शोल्डर पे एक फ्लावर आ जाएगी। तो फोर्थ स्टाइल में मैं आपको वेस्टर्न ड्रेस ड्रेप करना सिखाऊंगी, जिसके लिए आप अपनी साड़ी की एंड पार्ट को ऐसे पकड़ लीजिए और इनको आपको ट्विस्ट करना है।
ट्विस्ट करने से क्या होगा कि इनकी जो अनइवन एजेस हैं वो आसानी से हाइड हो जाएंगी अंदर की तरफ, और इनकी दो कॉर्नर्स को लेकर हमें अपने नेक के पीछे टाई करनी है। तो इसके बाद देखिए, हमें फैब्रिक को इस तरीके से पकड़नी है और अंदर की तरफ एक फैब्रिक की लेयर और बढ़ाते हुए हमें यहाँ पे दो टाइट नॉट बनानी है। अब ये जो यहाँ पे लूप बन रही है, इस लूप को हमें पीछे की तरफ ले जानी है। तो देखिए, हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे और नॉट जो है वो हमारे बैक साइड की तरफ चली गई है। अब हम अपनी कमर पे एक रबर बैंड लगाएंगे और इसके बाद साड़ी की जो पल्लू वाली फैब्रिक है इसको हम घुमाकर अपनी राइट साइड की तरफ लेकर आएंगे और सामने की तरफ हम इनको टक करेंगे। इसके बाद पीछे बची हुई फैब्रिक को केवल हमें प्लेट्स में अरेंज करनी है। कोशिश आप यही कीजिए कि आपकी प्लेट्स चौड़ी रहे ताकि आपका बैक साइड ज़्यादा फुला हुआ ना दिखे। तो अब यहाँ पे हम इन सारे प्लेट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे और ठीक अपनी पीछे की साइड पे इलास्टिक रबर बैंड के अंदर इनको टक करेंगे। अब देखिए, सामने की तरफ से हम ये सारे प्लेट्स सामने की तरफ उठाकर लाएंगे और अपने पैरों पे ये बॉर्डर्स को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। ऊपर की तरफ अगर ज़्यादा फैब्रिक आ रही है तो आप यहाँ पे दो तीन प्लेट्स भी अरेंज कर सकते हो और फिर इनको आप टक कर सकते हो। तो ये देखिए, ये जो बॉर्डर्स है ये यहाँ पे कुछ ऐसे सेट हो जाएंगी। सामने वाली फैब्रिक को केवल हमें इनको ऐसे सेट करना है, और अगर आपके पास कोई वेस्ट बेल्ट है तो आप उसको इसके ऊपर से लगा दीजिए ताकि आपकी इलास्टिक रबर बैंड भी हाइड हो जाए और आपकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो। तो ये होने वाली है आपकी फाइनल लुक। अब चलिए, एक और वेस्टर्न ड्रेप मैं आपको सिखाती हूँ इस सेम साड़ी को ड्रेप करके। तो देखिए, ये जो इसकी कॉर्नर है इसे हमें कुछ ऐसे फोल्ड करना है। तो नेक के पीछे हमें इस बार इनको ऐसे क्रिस क्रॉस करना है और इसके बाद केवल अभी के लिए हम नेक पे दो नॉट बनाकर हम इसको छोड़ देंगे। तो देखिए, नॉट बनाने के बाद ये कुछ इस टाइप से आपकी दिखनी चाहिए। अब हम फिर से इलास्टिक रबर बैंड को अपनी कमर के ऊपर टाई करेंगे और इस बार हम सामने वाली जो फैब्रिक आई हुई है इसको केवल हम सिंगल सिंगल प्लेट्स बनाकर टक करेंगे। देखिए, ऊपर की तरफ अगर आप बोलोगे कि बॉर्डर्स आई हुई हैं तो आप बॉर्डर को ऐसे सेट कीजिए ताकि वो आपकी कमर पे बेल्ट का भी काम करे और अंदर की तरफ फैब्रिक भी अच्छे से टक हो जाए, क्योंकि अगर पूरी बॉर्डर को हम अंदर की तरफ टक कर देंगे तो नीचे से लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम हाफ बॉर्डर को टक करेंगे। तो यहाँ पे सामने की तरफ हम एक साइड से 4 से 5 प्लेट्स बनाएंगे और टक करेंगे। इसके बाद अब हम फैब्रिक को दूसरी तरफ ले आएंगे और फिर यहाँ से हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो सिंगल सिंगल प्लेट्स बनाकर केवल हमें इनको टक करते हुए जाना है और कोशिश यही करना है कि सारे प्लेट्स से एक राउंड कवर हो जाए। चलिए, अब इनको प्रॉपर गाउन लुक देने के लिए हम ऊपर वाली फैब्रिक को अच्छे से अरेंज करना सीखेंगे। यहाँ पे आप एक छोटी सी सेफ्टी पिन ले लीजिए और ऊपर से आप स्टार्ट कीजिए इनको सुई की तरह चलाना और फिर आप इसको सिक्योर कर दीजिए। सिक्योर करने के बाद आप देखिए, सामने की तरफ ये कुछ इस टाइप के शेप में आ जाएगी। अब हम अपने नेक वाली जो फैब्रिक है उनको खोलेंगे और एक एक को लेकर हम ऐसे सिक्योर करेंगे। यहाँ पे भी आपको अपनी सेफ्टी पिन को सुई की तरह चलाते हुए ही सिक्योर करना है ताकि ये अच्छी तरीके से यहाँ पे होल्ड रहे। तो देखिए, ऐसे बिना किसी कटाई सिलाई किए आप अपनी साड़ी को एक परफेक्ट गाउन का लुक दे सकते हो। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।